बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थ्री ब्रोमो साइक्लोपेंटीन रिएक्ट्स विद Br2CCl4 टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स Y एंड Z। Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत ध्यान से सुनना, Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। पूरा क्वेश्चन यहीं पे अटकेगा, Y जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। व्हाट इज Y, Y क्या होगा, ये रिएक्शन है। ठीक है, देखो Br2CCl4 याद रखना हमेशा एंटी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एंटी एडिशन मतलब कि ये ब्रोमीन जो होगा दोनों जगह, एक यहां लगेगा एक यहां लगेगा, तो जो यहां लगेगा अगर सपोज दैट यहां ब्रोमीन लगा, ये अबव द प्लेन है, तो ये वाला ब्रोमीन बिलो द प्लेन होना चाहिए। देखो अब हम अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बिलो द प्लेन दिया था मुझे ऑलरेडी। जब ये एल्कीन, सबसे पहले ये Br2CCl4 है, तो यहाँ पे Br+ Br- बन गया होगा, तो Br+ सबसे पहले गया होगा। अब Br- आएगा अटैक करने, उसके पास दो चांस है, या तो इधर से अटैक करे या इधर से। अब क्योंकि कहीं से भी अटैक कर ले, बात ही क्या है, बराबर है। सपोज दैट अगर इधर से अटैक करती है, ये क्या होगा, इधर जाएगा। हमें देखो क्या बताना है, वाई कंपाउंड बताना है। देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, वाई और जेड बनेगा, लेकिन हमें वाई बताना है। वाई और उसमें एक इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि वाई जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का एक मतलब होता है कि वहां पे इनएक्टिव मतलब जहां पे मेजो कंपाउंड बनता है वहीं पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मेजो कंपाउंड मुझे बनाना है। देखो ये अबव द प्लेन है, ये दोनों देखो आपस में क्या होंगे, अगर एक अबव है तो एक दूसरा वाला बिलो होना चाहिए। सपोज दैट मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, अबव द प्लेन कर दूं, इसको बिलो द प्लेन कर दूं, तो ये एक बी आर, ये एक बी आर, ये और ये डैश 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 बी आर है। अब इसमें हम चेक करते हैं, सपोज दैट क्योंकि एक ये भी बनेगा एक दूसरा भी बनेगा, अगर ये मान लो मेरा वाई है, अभी अभी मुझे पता नहीं वाई है कि नहीं, तो वाई होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कि मेजो फॉर्म होना चाहिए। अगर मैं इसको बीच से काटू तो यहां से बीच से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन हो गया, तो ये तो वाई नहीं होगा। तो वाई क्या बन सकता है, अगर ये क्या हो जाए, बिलो द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन हो जाए बी आर, और ये बिलो द प्लेन है। अब आप गौर से ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड क्या है, एक तरीके से मेजो है, क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो मेजो कंपाउंड जहां भी आता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है। क्या माना जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये बी आर क्या है, दोनों क्या है, बिलो द प्लेन है, तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ए बी तो नहीं होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्टिकली इनएक्टिव यही कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकली डी जो होगा, ये वाला जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वाई क्या है, वाई हमारा ऑप्शन सी है। तो इतनी बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच।